अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे। देखिए, आज मॉर्निंग में व्लॉग स्टार्ट कर दिए और उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये व्लॉग भी अच्छा लगेगा। और अच्छा अगर लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, यहाँ पर जो है एक बर्गर बन रहा है। एक्चुअली जिदान को बर्गर खाने का मन कर रहा है, मतलब वो टिफिन में लेके जाएगा, तो बर्गर ऑब्वियसली बाहर का बर्गर देना तो पॉसिबल नहीं होता है ऑल टाइम, क्योंकि बच्चों का जिद के आगे। तो इसीलिए सोच रहे कि घर पर ही थोड़ा बहुत इस तरीके से बना दे एक बर्गर। तो इसीलिए सिंपल तरीके से बर्गर की तरह बना दिए, मतलब जिदान भी खुश और काम भी हो जाएगा। और बर्गर नॉर्मली बाहर का हेल्दी भी नहीं होता है, इसीलिए थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। और देखिए, ये जिदान ब्रेकफास्ट कर रहा है अपना, लेकिन कभी भी अपना चपाती कंप्लीट करता नहीं है, लेकिन जितना भी खाता है हम लोग सेटिस्फाई है। कम से कम थोड़ा तो खा के जाता है, इससे क्या होगा ना, हैबिट बना रहेगा। तो अभी जिदान के पापा क्राफ्ट में बिजी है, क्राफ्ट बनाने में। कल रात को हम लोग भूल गए थे बनाना, तो इसीलिए अभी हम लोग सुबह सुबह जल्दी कर रहे थे और जिदान अभी फाइनली निकल रहा है। साइंस अच्छे भालो करे लिखबे, ठीक अच्छे मुकेटे फिनिश करो। सारा काम कंप्लीट हो गया है। देखिए, इजान का अभी मॉर्निंग हुआ है, तो उसको फ्रेश कर दिए, अभी वो ब्रेकफास्ट करेगा एंड देन वो शावर लेगा। पता है आवाज में बोलते किच्चू हमें ना पापा, किच्चू हमें ना, अगर कहने दोने चीज किच्चू हमें ना, तो कौन सा डायनासोर था भाई, बड़ा डायनासोर छिलो ना बारन को अच्छा मुझे इजान के देवे ना ये चीज खेना बाबू दादा खेना तू खेना दादा तो ईजान खाबे ना 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 ईजान के बार कर बार कर बार कर बस बार करते बोलते मुख से ईजान बोलो अभी खाबो बोलो बार करो बार करो इधर इधर दूसरो हाथ दूसरो हाथ दूसरो हाथ दिए बोलते बार करते देख दूसरो हाथ दिए बार कर बार कर बार कर बार कर मुख से ना ना खाबो अभी खाबो खाने लगे। आज नीस का फर्स्ट एनिवर्सरी है, तो इसीलिए सब कोई प्लान बनाए जो आज हम लोग सडनली उसका घर जाएंगे सरप्राइज देने। तो इसीलिए अभी हम लोग निकल रहे हैं, बच्चे चले गए मेनन के साथ और हम लोगों को थोड़ा सा परचेजिंग करना था, इसीलिए हम लोग पीछे से निकले। फिर हम लोग थोड़ा परचेजिंग करने के बाद ही हम लोग ज्वाइन होंगे उन लोग के साथ। अब यहाँ से हम लोग केक शॉप जाएंगे और उसके बाद केक लेकर के नीस के घर जाएंगे, इसीलिए केक बना नहीं पाए थे टाइम की कमी की वजह से। तो हम लोग केक परचेज करके उसके बाद ही लेकर जाएंगे और साथ ही साथ नीस के लिए कुछ परचेज भी करना है गिफ्ट। तो तंजील के लिए, मतलब नीस का हस्बैंड जो है, उसके लिए ऑलरेडी ले लिए थे शर्ट, बट नीस के लिए लेना बाकी था, तो इसीलिए हम लोग वहाँ से ले करके गिफ्ट उसके बाद हम लोग जाएंगे उसके घर। और हम लोग अभी जाते जाते डिसाइड कर लिए, हम लोग अभी न्यू मार्केट जाएंगे और न्यू मार्केट से क्या परचेज करना है वहाँ से कर लेंगे एंड देन उसके बाद नीस के घर जाएंगे। हम लोग आ गए न्यू मार्केट, अब अंदर की तरफ जा रहे हैं। हम लोग कुर्ती देख रहे थे लेकिन वहाँ से कुछ समझ में नहीं आया, इसीलिए हम लोग आगे बढ़ गए। हम लोग एक कुर्ती परचेज कर लिए है और अब हम लोग जाएंगे केक लेने और केक लेके सीधा चले जाएंगे इसके घर। और यहाँ पर देखिए बहुत सारा कलेक्शन है न्यू मार्केट में, अभी फेस्टिवल टाइम है इसीलिए इतना क्राउडेड है। नॉर्मली न्यू मार्केट फेस्टिवल रहे या नहीं रहे तो बात नहीं होता है, नॉर्मली हमेशा ही भीड़ रहता है। खादिम चेंज हुए थे अच्छा बच्चा कलेक्शन।
हम लोग आ गए केक शॉप के पास, तो हस्बैंड बाहर ही वेट कर रहे, तो हस्बैंड बोले जाओ तुम एक परचेज करके लेकर के आओ, और यहाँ पर कोई कुछ खास चॉइस करने का नहीं है बिकॉज नीस को चॉकलेट केक ही पसंद है, सबको चॉकलेट केक पसंद होता ही है, तो इसीलिए एक चॉकलेट केक परचेज किए। और परचेज करने के बाद देखिए अभी वो पैक कर रही है, और उसके बाद हम लोग सीधा अब कहीं रुकेंगे नहीं, सीधा चले जाएंगे घर नीस। क्या परचेजिंग, अब हम लोग जा रहे हैं नीस के घर। संजय चुलाइए थे ना लगे थे, हम लोग आ गए हैं, अब ये सीढ़ी चढ़ना है। देखिए अंदर से बच्चों लोग का आवाज आ रहा है। क्यों सर वालेकुम अस्सलाम। देखिए हम लोग लेट, हम लोग ऑलवेज लेट होते हैं, और इन लोग देखिए सब आ गए। माशाल्लाह भालो लगते सब भाई। नक 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 हम लोग नीस को सरप्राइज देने के लिए बिना प्लान के आने वाले थे, बट यहाँ आने के बाद देखिए ऐसा लगता है नाश्ता देख करके पराठा और चिली चिकन ऐसा था, तो जैसे उन लोग को मालूम ही था हम लोग आने वाले हैं, तो अभी नाश्ते का टाइम है, अभी हम लोग नाश्ता करेंगे। और बच्चे इतना बदमाशी कर रहे थे ना कि क्या बोले, मतलब बच्चे बिल्कुल भी बात नहीं सुन रहे थे, दो चार बच्चे एक साथ होने से देखिए वो क्या करता रहता है। और ईजान क्या किया, नीस की जो सास है उन्हीं के पास खाएगा, तो उनके पास केक खा रहा था। तो यहाँ पर देखिए सब मैच में बहुत ज़्यादा ही बिजी है मैच देखने में, तो सब बैठे हुए है, और इंडिया और बांग्लादेश का मैच हो रहा था, ये मैच बांग्लादेश में हुआ आई थिंक, तो लास्ट में इंडिया हार गया है। फिर हम लोग बोले काफ़ी टाइम हो गया है, अभी हम लोग चलो केक कट कर लेते हैं, फिर हम लोग बाहर निकल पाएंगे, मतलब घर आने के लिए। মোবাইলটা ভালো না, আমি ভিডিও ও ফটো তো করছি। আইসু কি খাচ্ছ তুমি?
केक कट होने के बाद अब हम लोग फोटो क्लिक करने लगे, तो वन बाय वन सारा मेमोरीज कलेक्ट कर रहे थे क्योंकि अभी हम लोग का घर रिटर्न आने का टाइम हो गया था। तो उसके बाद देखिए सारा मेमोरीज जो है आप लोग के साथ शेयर किए, आप लोग देखिए और इन्जॉय कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, इंशाल्लाह मिलेंगे एक न्यू व्लॉग में आप लोग के साथ, तब तक के लिए।